हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। और आज का हम ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमने प्लान किया एक रोड ट्रिप का अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, और रोड ट्रिप है नोएडा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट है वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। वीकेंड फन, ओल्ड स्कूल रियूनियन, और सब रेडी है, लगेज इज पैक्ड, कार इज रेडी। चलिए तो बने रहिएगा, देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग। ये हमारी कार रेडी हो गई है जाने के लिए ट्रिप पे, और बस निकल रहे हैं। और ये आ गए हमारे फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड यतिंदर सिंह, यत्ती भाई बोलते हैं इनको। ये यत्ती भाई हमारे, इन्हीं के साथ ट्रिप प्लान है, यही बहुत दिनों से इन्होंने प्लान की थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं नोएडा से, जैसे क्रॉस कर रहे हैं। यस, जस्ट इंद्रापुरम क्रॉस किया है। यत्ती भाई बैठे हुए पीछे, वो भी एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, वो भी अपनी शूटिंग कर रहे हैं पीछे। और जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे बताते रहेंगे। ट्रैफिक तो अभी सुबह 7 बज गए, लेट हो गए थे थोड़ा यत्ती भाई आने में, बट फिर भी ट्रैफिक तो मिलेगा ही। लेट्स सी कितने बजे तक हमारा अंदाजा है, अराउंड 2 या 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। क्रॉस कर लिया हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में। हाईवे पे तो बहुत फास्ट चलते हैं यहाँ पे। अब हम पहुंच चुके हैं सिंभावली, और यत्ती भाई भी अपनी शूटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ की फेमस सिंभावली की फेमस शुगर मिल है। हाँ, यहाँ पे शुगर मिल बहुत फेमस है, तो किसी को शुगर चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम लेते हुए आ जाएंगे। पहुंच गए काशीपुर वाले कट से, ले लिया है एक रास्ता, सामने से भी है रामपुर से, आप उधर से भी जा सकते हैं, बट इधर से ये यत्ती भाई ने बताया, बिकॉज यत्ती भाई तो जाते रहते हैं, इनके बहुत सारे वहाँ पे फैंस हैं जो इनको इनवाइट करते हैं, बट इनको ज्यादा पता है, यत्ती भाई ने रूट सजेस्ट किया है मेरे को तो। और यत्ती भाई का बर्थडे है परसों, तो ये अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के लिए जा रहे हैं हम लोग, उन्होंने इन्वाइट किया है, फिर आपको वहाँ पे जाके मिलाया जाएगा। और भी 2 गेस्ट आ रहे हैं हमारे, वहाँ पे आपको उनसे मिलवाएंगे। जस्ट यत्ती भाई और मैंने एक एक कोस्टा कॉफ़ी पी अपनी, तो चलना पड़ता है ना ऐसे, 2-2.5 घंटे के बाद थक जाते हैं, तो फिर अब कॉफ़ी पी के अब अगेन वी आर प्रोसीडिंग। अब अगला ऑल्ट हम सीधा रामगंगा रिजॉर्ट में लेंगे, वेलकम हेरिटेज रिजॉर्ट, यत्ती भाई ने बुक किया हुआ है बर्थडे के लिए, तो अब आपको वहीं पर मुलाकात होगी। थोड़ी देखते हैं बीच में, अगर शिकंजी वगैरह मिल जाएगी तो 10 बजते ही फिर हम खोलेंगे उसके लिए। फ्रेंड्स, अब ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं गर्जी माता के पास, ये ऑलरेडी रामपुर पार कर लिया है। यत्ती भाई के तो बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो छुट्टी लेके आए हैं, पर इनके सारे फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट देखिए बहुत अच्छी रोड है, यहाँ पे बारिश वारिश का मौसम होता है तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ से आपको सब सफारी वाले, एलिफेंट्स, कैमल्स, वो सब की राइड स्टार्ट होती। हम तो नहीं लेंगे, हमारा तो खैर वो वाली थीम नहीं है। अभी देखिए हम आ गए हैं, ये जो लास्ट की बस वेलकम हेरिटेज
रिजॉर्ट, रामगंगा रिजॉर्ट के लिए जो चढ़ाई है उसमें लास्ट में हम आ गए। बहुत ही अच्छी सीनरी है और हमारे और फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, वेट कर गए। हम थोड़ा जाम में फंस गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए, बट इट्स अ वेरी नाइस सीनरी। ये मेन वेलकम हेरिटेज के लिए नीचे आपको शार्प टर्न मारना पड़ेगा, इसलिए जस्ट वांटेड टू शो यू। ये देखिए लास्ट में आपका 1 किलोमीटर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होगा यहाँ पे, तो छोटी गाड़ी भी आ सकती है नॉर्मल, इतना भी कोई खराब रास्ता नहीं है। ये देखिए आई विल शूट इट एंट्रेंस तक पूरा आपके लिए। काफी अच्छा व्यू है। यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी। आ गए मिस्टर गार्ड, ठीक है एंट्री कराते हैं। यति भाई एंट्री करा दीजिए, एंट्री करते हैं। एंट्री हो गई है, अब दिखाते हैं। दिस इज द मेन एंट्री, फर्स्ट गेट पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी और ये बिल्कुल रामगंगा रिवर के बैंक पे है जो रिजॉर्ट है। काफ़ी अच्छे चॉइस किया है यति भाई ने। ओके अब हम लोग द रिसेप्शन। हम आ गए हैं, कार पार्क कर दी है। वी आर गोइंग टू आवर रूम, इट्स अ स्वीट रूम। ओके व्यूअर्स, ये देखिए दिस इज रामगंगा रिजॉर्ट। और ये यति भाई, दिस इज आवर फर्स्ट कॉटेज, दिस इज आवर सेकंड कॉटेज। उधर हम लोग का विलाज है जब हम लोग स्टे किए हैं। ये पूरा प्रॉपर्टी इस रिजॉर्ट का ही है। शाम के अभी ऑलमोस्ट 5:20 हो गए हैं और जस्ट पकौड़ी चाय कॉफ़ी सर्व की है, जस्ट वी हैड। तो
थोड़ी देर अभी हम आने से पहले बारिश भी हो गई थी, बारिश में नहाए। और इधर देखिए ये रामगंगा रिवर है, रामगंगा रिवर में हम लोग नीचे गए थे पकौड़ी खाने के बाद थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। देखिए कितना अच्छा एंबियंस है।